हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, तो हम लोग जा रहे हैं गणपति स्थापना में। हमारे बिल्डिंग में, हमारी सोसाइटी में भी गणेश जी आए हैं, 10 दिन तक हमारे साथ रहेंगे, तो चलिए देखते हैं उनका फंक्शन। पूरे साल हम लोग इंतज़ार करते थे गणपति महोत्सव का, बहुत अच्छा लगता है। 10 दिन तक गणपति हमारे साथ रहते हैं, हर घर से भोग प्रसाद बनता है और सब में बढ़ता है। मैंने खुद 300-300 लोगों का भोग बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आजकल कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सब लोग मास्क लगाए हैं, कोई किसी के घर का खाना नहीं चाहता, और प्रसाद भी बस नाम मात्र को ही बन रहा है और मिल रहा है। तो लेकिन गणपति के आने की खुशी तो है ही। पूरे 10 दिन तक पार्टी जैसा, शादी जैसा माहौल रहता है हमारी सोसाइटी में। शाम होते ही सब लोग तैयार होकर, अच्छे अच्छे ड्रेस कोड वाले कपड़े पहनकर नीचे आ जाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आज का ड्रेस कोड था येलो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मिस हो गया, तो मैं ही एक अकेली रेड कलर पहने हूँ, बाकी सारे लोग येलो में ही दिखेंगे आपको, ज़्यादातर लोग। अब गणपति स्थापना हो चुकी है और उनका अभिषेक हो रहा है, इसके बाद माल्यार्पण और गणपति आरती होगी। तो गणपति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अभिषेक हो चुका है, अब माल्यार्पण के साथ गणपति यहाँ हमारे साथ 10 दिन तक विराजमान रहेंगे। चलिए आरती के लिए खड़े हो जाते हैं सब लोग, पंडित जी ने आरती के लिए बोल दिया है। तो जिनके यहाँ भी गणपति स्थापना नहीं होती है, जो लोग ये फंक्शन मिस कर देते हैं, वो हमारे साथ इस फंक्शन को अटेंड करिए, बहुत अच्छा लगता है। गणपति कृपा रहती है और जब भी गणपति जाते हैं सारी विघ्न बाधाएं लेकर जाते हैं। तो ये थी हमारी गणपति स्थापना, पूजा और आरती। गणपति बप्पा की कृपा आप सब पे बने रहें। गणपति बप्पा मोरिया।